Hello, eighth class. Welcome to the social science class. Welcome back, all of you. And today we are going to start a new chapter of history. Chapter number nine, and chapter name is Women and Reformers. Chapter name is Women and Reformers. First of all, you see the gear up. Identify and name the following personalities and tick the women freedom fighters. इन पिक्चर्स को आपने क्या करना है आइडेंटिफाई करना है पर्सनैलिटीज़ दे रखी है और उनका नेम देना है ठीक है कौन कौन सी ये पर्सनैलिटी है और इसमें और क्या करना है कि टिक द वीमन फ्रीडम फाइटर कौन सी वीमन फ्रीडम फाइटर थी उसको आपने क्या करना है टिक भी करना है ओके ट्राई टू डू दिस हाँ जी लेट स्टार्ट आवर चैप्टर इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एजुकेशन मेड मेड इंडियन अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड डवेल्पमेंट टू वर्ल्ड डेमोक्रेसी कि प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये कि जो इन, भारत में इंडिया में जो इंग इंग्लिश एजुकेशन थी कि शुरुआत के बारे में हमने पढ़ा ठीक है कि जो एजुकेशन ने जो भारतीयों की राष्ट्रवादी आंदोलनों और लोकतंत्रों लोकतंत्र के विकास तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो में हो रहे विकास के बारे में हमें इसमें नॉलेज मिली है ठीक है एजुकेटेड पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास केम आउट टू लीड लीड दीज मूमेंट्स की जो एडुके पीपल पीपल्स थे एजुकेटेड पीपल फॉर्म मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पीपल थे वो निकले थे दे वर कंसर्न अबाउट द पोजिशन ऑफ वीमन इन इंडिया उनको पता था कि इंडिया में वीमन्स की क्या पोजिशन हैं ठीक है दे बिलीव दैट नो सोशल रिफॉर्मर कुड बी इफेक्टिव एंड वर द इमेंसिपेटेड मैनी सोसाइटी दैट लेड टू द डेप्रोलेबल्स कंडीशन ऑफ विमेन कि वो पूरी तरह कंसर्न थे कि जो उनकी वीमेंस की जो स्थिति थी उसके बारे में उनको पूरा पत, मतलब वो चिंतित थे ठीक है उनका मानना यह कि कोई भी सामाजिक सुधार तब तक प्रभावित प्रभावी नहीं हो सकता जब तक महिलाएं जो होती हैं जो वीमेंस होती हैं उनकी उन उनकी मुक्ति नहीं पाई जा सकती ठीक है कई सामाजिक बुराइयाँ भारतीय सम, समाज में कई जो सोशल्स इवल्स थे ठीक है वो काफ़ी प्रचलित हुए हुए थे कि वीमेंस की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही बुरी हुई थी नेक्स्ट इज सोशल इवल प्रीवेलेंट इन सोसाइटी फर्स्ट इज़ कि सोसाइटी में काफ़ी समाजिक जो बुराइयाँ थी वो प्रचलित थी पहली थी रिस्ट्रिक्शंस ऑन विडो री मैरिज विडो रीमैरिज सर्वाइव द रिस्ट्रिक्टेड इन द सोसाइटी दे वर नॉट अलाउड टू री मैरी एंड थर्श लिव इन द सर्कुलेशन थ्रू आउट देयर लिव्स कि जब कोई भी विमन कोई भी और जब विडो हो जाती ठीक थी, है जब विडो होता है विधवा विधवा हो जाती थी कि व्या उसका उसकी जो मैरिज थी वो दोबारा नहीं की जाती समाज की जो समाज की एक बुराई थी रीमैरिज पे पाबंदी लगाई हुई थी ठीक है उनको दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं थी ठीक है नेक्स्ट ई फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या था इसमें कि जिसको बोलते ना प्रूण बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन फैमिली वॉज कंसाइडेड एज द क्रश आ न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड वॉज किल्ड एंड बर्ड सुन आफ्टर हर बर्थ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग आ गर्ल चाइल्ड इज कॉल द फीमेल इन फेंटिसाइड ठीक है क्या होता था कि जब लड़की का लड़की का जब बर्थ होता था उसको तभी मार देते थे ठीक है पर्दा सिस्टम आ गया ठीक अकॉर्डिंग दिस सिस्टम वीमेन हैड टू पर्दा एंड कवर हर हर सेल्फ थ्रो हर लाइफ इट हैड हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड प्रोग्रेस कि एक पर्दा सिस्टम चला हुआ था कि जो एक वीमन थी उसने क्या करना था कि अपने अपने आप को एक पूरी अपनी पूरी बॉडी को एक पर्दे से कवर करके रहती थी जो बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता था ठीक है लैक ऑफ वीमेन एजुकेशन वीमेन की जो एजुकेशन थी उसमें भी कमी थी मोस्ट ऑफ पीपल हार्डली अबाउट द एजुकेशन देयर गर्ल्स दे वार नो ट्रीटेड इक्वल टू टू मैन की उनको एक मैन uh, के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था ठीक है उनको एजुकेशन नहीं दी जा सकती नहीं दी जाती थी ठीक है सती प्रथा अकॉर्डिंग दिस सिस्टम सती प्रथा क्या होता है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी भी विमन के हस्बैंड की डेथ हो वूमन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या करते थे वो जब उसको जलाते थे उसका संस्कार करते तभी वो जड़ी जो लेडी होती थी उसको भी उसके साथ जलना पड़ता था ठीक है चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी चाइल्ड मैरिज मैरिज एंड द सिस्टम ऑफ पॉलीगैमी वॉज द क्रश ऑफ सोसाइटी सीइंग दिस अटैम्प्ट वर मेड बाय द स्टेट ऑफ रिफॉर्मर टू डू अवे विद द इवल ऑफ अर्ली मैरिज बाय द लेजिस्लेशन जो सिक्स इवल है उसमें क्या आ जाता है कि जो चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेम पॉलीगेम क्या होता है ज़्यादा शादियाँ करना ठीक है बहुव्याह ठीक है क्या होता था, था कि बाल व्या और बहुवाह जो समाज के लिए एक शराब बना हुआ था इस ठीक है इसके मतलब कि राज के जो राज और सुधारक होते थे उन्होंने क्या किया कानून के द्वारा कि जल्दी उनकी शादी कर दी जाती इस बुराई को दूर करने की कोशिश की थी चाइल्ड मैरिज को जो एक बुराई माना गया था उसको दूर करने की कोशिश की गई थी ठीक है जैसे क्या आ गया कि इन नाइनटीन हंड्रेड वन वर्ड ऑफ बड़ोडा पास द इन्फेंट मैरिज प्रिवेंटेशन एक्ट उन्होंने एक एक्ट एक तैयार किया जिसमें क्या क्या किया कि मैरिज की एज मिनिमम एज फिक्स कर दी थी जैसे स्टेट फॉर फॉर द गर्ल्स ऑफ ट्वेल्व ईयर की जब लड़की बारह साल की होती थी तब उनकी शादी करनी और बॉयज सिक्सटीन ईयर की हो जाए द एज ऑफ कंसेंट कमेटी मेट एट शिमला इन जून नाइनटीन ट्वेंटी एट टू इन इन इंक्वायर इन टू द क्वेश्चन ऑफ़ मेरिज रिफॉर्मर्स ठीक है आफ्टर द रिकमेंडेशन राय साहेब हरबिलास शारदाज चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट प्रॉपरली नोन एज शारदा एक्ट एक्ट जिसको शारदा एक्ट बोला जाता है वाज पॉस्ड इन पास्ड इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन इट लेट डाउन द मिनिम एज ऑफ मैरिज गर्ल्स इज फोरटीन फोर्टीन ईयरस एंड फॉर बॉयज इज एटीन ईयर अंडरस्टुड दिस रीड दिस चैप्टर केयरफुली ओके